हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टर कैसे फिटिंग करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी कंपनी का प्रोजेक्टर आसानी से फिटिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना दोस्तों। तो पहले तो उसको स्टैंड को ऐसे आप रख देंगे जहाँ पे भी आपको फिट करना है, वो पेंसिल या पेन से मार्किंग कर देंगे। उसके बाद ड्रिलिंग करके ग्रिप डाल के स्क्रू को टाइटली फिट कर देंगे ताकि ये थोड़ा भी हिले ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, अपना प्रोजेक्टर ऐसे फिट हो जाएगा, आपको जस्ट ऐसे फिट कर देना है। देखिए दोस्तों, इसे स्क्रू को टाइटली फिट कर देना है और केबल का मैनेजिंग भी अच्छे से कर देना है। पावर केबल, एचडीएमआई केबल, वीजीएल लैन केबल, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज कर देना है ताकि वो बीच में ना आए। अपन प्रोजेक्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रोजेक्टर स्टार्ट करते पहले ही वो फ्रंट मोड में होता है, इसके लिए उसको डिस्प्ले को सेट करना पड़ता है दोस्तों। तो उसको रिमोट के द्वारा हम उसकी डिस्प्ले के मेनू में जाके सीलिंग मोड में, अपन ने सीलिंग में लगाया है, सीलिंग मोड इसको सेट करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, सेटिंग में जाके अपन उस डिस्प्ले को सेट कर देंगे ताकि ये अपनी फ्रंट व्यू अपने को मिले। मैंने पहले ही सेट कर दिया था। और लैंग्वेज भी अगर जो तो कोई चेंज होती है तो आपको लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अब लैपटॉप को अटैच कर देता हूं मैं, एचडीएमआई केबल लैपटॉप से अटैच करके मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों, मैंने ये वर्ड की फाइल खोल दी है और अच्छे से व्यू आ रहा है दोस्तों। अगर आपको ये प्रोजेक्टर परचेस करना है तो मैं अमेजोन की लिंक आपको देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।